किस किस हीरे का नाम, किस किस जय्यद जज का नाम उठाऊं। एक कप्तान, टीम का कप्तान, वो तो सारे का सारा बेचारा डिपेंडेंट होता है अपनी टीम पे। मैं आज आपको इस फोरम पे, जो मेरे भाई बच्चे, मेरे साथी, मेरे दोस्त, जो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, जब मैं अभी अर्ज करूँगा, मैं खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब भी मैं इनको ज़रा क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ, यार ज़रा आसिफ इनको खराबी तो लभी है, मुझे नज़र नहीं आती। मियाँ खेल में देखें ज़रा, सबसे डाउन, नीचे डाउन द लाइन मियाँ खेल साहब में ज़रा देखें कि यार कोई प्रॉब्लम, कोई नज़र नहीं। सो हर जय्यद मुकम्मल पुख्ता, हाँ इल्मियत काबिलियत किसी की कम हो सकती है, सबसे कम इल्म और कम काबिल इस बेंच पे आप मुझे गिरदानेगा। मैं कन्फेशन आपके सामने हाथ उठा के कर, सो दयानतदारी इस बेंच में, इंडिपेंडेंस इस बेंच में, दयानतदारी, इंडिपेंडेंस और काबिलियत जब ये बन जाएगी एक मुरक्कब की शक्ल में, तो आप देखिए कि फिर ये क्या कठाली से जब निकलेगा, तो फिर सोने की जगह क्या बनेगा। ये कुंदन से ज़्यादा बढ़ के आपके लिए ये सुप्रीम कोर्ट बन गया है। मैं ज़ाती सताइश नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एक एक क्रिटिकली इनसे बरत के, इनको एग्जामिन करके आपको ये एक डिक्लेरेशन आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अपने सुप्रीम कोर्ट पे फख्र हो कि ये कितना इंडिपेंडेंट कोर्ट है, ये कितना मजबूत कोर्ट है, और हमें नहीं कुछ फ़र्क पड़ता जी, लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कतन नहीं पड़ता। मैं किसी भी पॉलिटिकल इशू को इस फोरम में आपके सामने रेज करने के लिए कतन तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे लॉर्ड डैनिंग की याद आती है, कि लॉर्ड डैनिंग रीड्स के साथ बैठा था, एक केस सुन रहा था, मिसेस स्टोन थी, शायद मिसेस स्टोन ही थी आसिफ, मिसेस स्टोन थी जो उस अदालत में खासा तशरीफ लाती थी और बैठी रहती थी। एक दिन मिसेस स्टोन को गुस्सा आया किसी मैटर में, कुछ शायद फैसला खिलाफ हुआ, तो पड़ी हुई किताब उन्होंने उठा के तो लॉर्ड डैनिंग की तरफ फेंक दी। लॉर्ड डैनिंग इस तरह से हटे, किताब पीछे जा गिरी, तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर लेडी दिस इज वॉजंट पॉइंटेड टुवर्ड्स अस। ये है वो तहमल, ये है वो बुर्दबारी, ये है वो पुख्तगी, ये एक जज के लिए मुहित है। हम कहते तो रहते हैं कि ये ले लेंगे कंटेम्प्ट का, तुम देख तो सही करते क्या है दोबारा, लेकिन कितने कंटेम्प्ट केसेस में हमने लोगों को प्रोसीड किया है, जलील किया है, शायद सेल्डम कभी हो। तो इसलिए आसिफ खोसे को उस बेंच का हेड बना दिया गया है, 3 दिन के बाद वो केस लागे। बहरहाल आज मुझे कुछ आपसे बातें दिल की भी करनी है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जिस पे मुझे ज़रूर अर्ज़ करना है, और फिर ख़ास तौर पे आज मुझे ये पता चला है कि बार के नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद, अपनी अपनी तहसीलों से, अपने अपने ज़िलों से जो उनके लीडर्स हैं सरकर्दा, वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं नहायत आप लोगों का ममनून हूँ कि आप अपनी छुट्टी के दिन दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। ये कौन है वकील, कभी आपने इसकी हिस्ट्री जानी? गोरे के टाइम पे इंग्लैंड में कॉमन लॉ कोर्ट्स हुआ करते थे, और कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ अभी एडवोकेसी या लॉयर्स का डेवलप नहीं हुआ था। तो वहाँ के जो लोग फॉलो करते थे जो कॉमन लॉ कोर्ट्स की जजमेंट्स को, तो वो इकट्ठी करते रहते थे उनको अपने पास। वाइज लोग थे, विजडम विजन वाले, तो किसी को तकलीफ होती तो वो उनको जाके कहता कि जी मुझे ये तकलीफ़ है, इसका ज़रा हाल बता दीजिए कि मैंने भी अपना मुकदमा करना। तो कहते कोई हाल की ज़रूरत नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यानी ये उस वक़्त के बड़े लोग थे, बाबे खिदमतगार,
और ये क्या करते थे, काला कोट नहीं पहनते थे, काला गाउन इनके होता था और पीछे आए तो वो सिर्फ हुड की शक्ल में एक सिंबल रह गया है, वो हुड होता था, क्योंकि ये किसी से मांगते नहीं थे, फीस भी नहीं मांगते थे। तो वो जो आदमी मुनासिब समझता था इनकी हुड में वो जो डाल देता था, जिंदा तो इन लोगों ने भी रहना है ना जी। तो ये इतना नोबल, इतना आला एक प्रोफेशन था, और मैं कभी कभी इक्वेट करता हूँ तो ये एक डॉक्टर से कम प्रोफेशन नहीं। डॉक्टर आपकी जिस्म की एलिमेंट को क्योर करने के लिए एक टूल है, और वकील आपकी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द जो एक लिटिगेशन का कर्ब और मैनेस है, इसे लेसन करने में, मिटिगेट करने में एक हेल्प करता है आपकी। तो हर लिहाज से डॉक्टर और एक वकील वाकईतन एक नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और ये लोग काबिले सताइश भी हैं, काबिले एहतराम भी हैं, काबिले इज्जत भी हैं। आज मेरी बात को प्रियम्प्ट कर दिया शुरू में ही मोहतरम यावर खान साहब ने कि मैं ये कहा करता हूँ। जी बिल्कुल, सिर्फ कहा नहीं करता, मैं इसको बिलीव भी करता हूँ कि बार और बेंच ये मसनूई चैरियट के दो मटेरियल पीस नहीं है। ये जो बनाए इंसान ने, दो व्हील बना दिए रबड़ के, एक बीच में उनके वो रॉड लगा दिया और ये चल रहे हैं, ये मसनूई चीज़ें हैं। ये बार और बेंच एक जिस्म के दो हिस्से हैं, ये दो बाजू, ये दो टंग्स टांगे, ये दो आंखें, ये दो कान। अगर एक मफलूज हो जाए या एक कमज़ोर हो जाए तो फिर आप उसको एक बॉडी की डिसेबिलिटी कहते हैं। तो बार और बेंच में अगर किसी तरह का मफलूज होना पाया जाए या खलीज आ जाए तो फिर वो जिस इंस्टीट्यूशन का हम जिक्र कर रहे हैं वो मफलूज इंस्टीट्यूशन होगी। इसलिए आप बेंच की ताकत हैं और बेंच आपकी ताकत। तो ये तसव्वुर ही नहीं होना चाहिए कि एक जिस्म का हिस्सा दूसरे हिस्से को काटेगा, कमज़ोर करेगा, तकलीफ़ पहुँचाएगा। मुझे तो कतन कभी इस बात का इदराक ही नहीं, कभी किसी तौर पे मेरी सोच के ये से गुजरा ही नहीं कि ये होगा। हाँ, तादाद बढ़ गई है, टेम्परमेंट्स में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का दौर आ गया है, कभी कभी जज्बात हमारी इस जगह के जो ऊपर वाला खान है उसको ओवर पावर कर लेते हैं, तो कुछ छोटी मोटी तलखी जो है वो हो जाती। बार की तादाद ज़्यादा है, वो लोग फटाफट इकट्ठे कर लेते हैं, जज को इकट्ठे करने में वक्त लगता है, तो लिहाजा बार ताला कहती है जी लगा दो। मकसद उसका भी ये नहीं होता कि मैंने जज की तजलील करनी है, मैंने अपने इस इंस्टीट्यूशन की तजलील करनी है। और यार कौन तजलील करेगा उस इंस्टीट्यूशन से जिसके साथ उसका पेट लगा, क्यों मफलूज करेगा, क्यों कमज़ोर करेगा उस इदारे को जिस इदारे से उसकी पोस्टेरिटी का नसीब मुंसलिक हो। कभी आपने अदलिया के इदारे पे गौर किया कि ये है क्या? वो जो मेरी तकरीर जिसको बहुत बार बार दिखाया जा रहा है उसको भूल जाइए, वो लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वाकईतन अगर आप इसको अंग्रेज़ी इस्तलाह में, इंग्लिश जूरोस्पूडेंस के हवाले से, किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न जूरिसडिक्शन और जूरोस्पूडेंस में देखें तो दे वाकईतन एक वॉच डॉग है। और इसका काम क्या है? फितना ख़त्म करना। फितना ख़त्म करने वाले लोग तो वाकईतन बड़े जयद होते हैं, बड़े आला लोग होते हैं। किसका फितना ख़त्म कर रहे हैं? आपका और मेरा तनाज़ा हो गया किराए के मकान का, आप घर छोड़ के नहीं जा रहे, मैं घर खाली कराना चाहता हूँ, ये तनाज़ा, ये फितना है
आप अदालत में चले जाएंगे, अदालत ये फितना ख़त्म कर देगा, आपका और मेरा तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। स्टेट जैसे जैसे पावरफुल होती चली जा रही है, वो लोगों के राइट्स में इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन स्टेट के हवाले से जो सबसे पावरफुल है, उसे रिजॉल्व करने में, एक सिटीज़न को उसका हक दिलाने में, एक सिटीज़न को उस कदगन से, उस मजबूरी से निजात दिलाने के लिए जो इदारा काम कर रहा है, वो तो आपकी जुडिशरी है। काबिल एहतराम लोग हैं, जयत काम कर रहे हैं। मैंने कराची में ये कहा कि ये तो इन जजेस के लिए अल्लाह ताला ने एक कमाल एक हैसियत पैदा कर दी कि अपना अपनी सिफ्त तफ्वीज कर दी है। ये मौला करीम की ये एक सिफ्त है इंसाफ करना, वो तो आपको तफ्वीज कर दी और क्या क्या दे दिया उसमें, आपको रिस्क भी दे दिया, आपको उस शक्ल में इज्जत भी दे दी। आज भी कभी रिटायर्ड जज को भी जज साहब ने, और जज साहब कैसे, ये है आपकी कौम जो आपसे मोहब्बत कर रही, फिर आपको इबादत भी दे दी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको मगफरत भी दे दी। यानी आप इस इदारे में बतौर जज के मुनसिफ के काम करके अपनी मगफरत का भी एक जरिया बना सकते हैं। तो ये कितने हो गए जी, 1 in 4 हो गए, जैसे कहते हैं ना 1 in 2, 2 in 1। तो ये आपको एक ही काम में 4 चस्के 4 मज़े आ रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी हासिल कर रहे हैं, ठीक है जी, और साथ साथ आपको अल्लाह ने इबादत करने का भी एक ज़रिया पैदा कर दिया, और मगफरत आपकी मुफ्त में हो जाएगी। क्यों, मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर तारिक जमील ने एक दफ़ा बार के किसी फंक्शन में आके ये कहा था कि जिस दिन रोज़े मैशर होगा हर तरफ आग होगी। 2 रवायात हैं, या तो 1.25 नेज़े पे या 1.25 मील की दूरी पे सूरज होगा, और जो सबसे पहले किसी को पुकार की जाएगी वो मुनसिफ काजी को की जाएगी। वो मुनसिफ काजी बनो। ये है आपकी जिम्मेदारी, ये है आपकी ऑब्लिगेशन टू द नेशन, टू द सोसाइटी, टू द स्टेट। और अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा कोई दोस्त इसे पेड हॉलिडे समझता है जज बन के, और ये समझता है कि जी मैं अब किसी ऊंची नस्ल में या ऊंची जात का, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी गलती में है, क्योंकि ये तो आपका इम्तहान है, उस इम्तहान में पूरे उतरें। इसको अपने लिए प्रिविलेज, इसको अपने लिए प्रेरोगेटिव मत जानिए, काम कीजिए। सर हम लोग बहुत सुखी हैं, मैं आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जो मेरे भाई आज यहाँ पे मौजूद है, मेरे दोस्त, मेरे जजेस भाई साहब ही हैं, उनसे मैं बाद में मुखातिब हूँ। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है कि अल्लाह ताला ने जो आपको ये इज्जत तकरीम और ओहदा अता फरमाया है, इबादत के हवाले से, रिस्क के हवाले से, आपकी मगफरत के हवाले से, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। जो कौम आपको दे रही है वो इसे बढ़ के हमें नहीं दे सकती। शायद आप दीगर हमारे इर्द गिर्द मुल्कों को देखें तो वहाँ पे ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जजेस के लिए अवेलेबल नहीं। हम मकरूज हैं इस कौम के, हम देनदार हैं। ये इंसाफ करना को हमारा किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। और ड्यूटी आप उस वक्त पूरी करेंगे जब आप दयानतदारी से इंसाफ करेंगे, जब आप अपनी कॉम्पिटेंस से इंसाफ करेंगे, जब मेरे मोहतरम आप कानून के मुताबिक इंसाफ करें। मैंने कराची में भी कहा, मैंने बहुत जगह ये बात की है, शायद मेरी बात की वो वक़्त अब उतनी नहीं रह पा रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहता रहूँगा कि किसी जज को कोई इख्तियार नहीं कि वो अपनी मन मर्जी मंशा के मुताबिक फैसला करे। वो पाबंद है कानून का, और कानून की पासदारी करनी उसकी ड्यूटीज में शामिल। आज एक छोटा सा लतीफ़ा, छोटा सा लेकिन प्यार से, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनके साथ,
मैंने बड़ी इज्जत की है उनकी और वो मुझे बड़ी ही अपनी बहन की तरह प्यारी है। मैडम फख्र निसा यहाँ बैठी हुई हैं। छोटा सा एक लतीफा सा एक दफ़ा कुछ जिक्र हुआ तो हमने पूछा कि मैडम ये किस तरह से कह दे, उन्हें कहा जी मैंने हर तरह तो इख्तियार ही नहीं काम करन दा तो फिर मैं जज किस गल दी होई। मैडम वो तो हमने प्यार में बात की थी, आपने भी प्यार में बात की थी, आपने हमेशा कानून की पासदारी की, जब आपके फैसले देखे तो उनमें से कानून ही झिरकता है। मैं आज भी इन दोस्तों को वही कह रहा हूँ कि मैडम ने मोहब्बत में तो ये कहा था कि जी जब मैंने सब कुछ करन दा इख्तियार है तो फिर जजी का मज़ा की आया, मज़ा नहीं लेना हमने, हमने कानून के मुताबिक फैसले करके लोगों के हक अदा करने, हमने मजलूम की दादरसी करनी है और ये हमें दयानतदारी से, तहम्मुल से, पेशेंस से, लगन से, पैशन से करना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो छोड़ दो यार, छोड़ के छोड़ दो तो और काम कर लो। अब सब लोग 5 साल से ज़्यादा के हो गए, अर्न कर लिए, पेंशन कर लिए, बाकी जाके कहीं पे और किसी तरह मशगूल मेरे प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर 5-5 महीने जजमेंट्स नहीं लिख रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, गिव इट अप। अगर री हेयरिंग में डाल के और मुकदमे को आपने 2-2 साल की तवालत, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आई एम ऑल स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई मियाँ साकिब निसार द हम्बल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करनी तो फिर दिस इज नॉट माय प्लेस टू स्टे, आई शुड गो बैक होम। ये घर के 4 दीवारी में बात हुई हुई है लेकिन कसमन मेरी बीवी इस बात की गवाह है, मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं कि मैंने उनको कह दिया कि 1 साल तुम्हारा नहीं है, मैं 1 साल के लिए आपका नहीं हूं। मेरी जिंदगी, मेरा हासिल 1 साल, शायद मुझे अल्लाह ताला ने किसी एक लम्हे के सोच पे ये सारी तब्दीली आती है, किसी वक्त चोरों कुतुब भी हो जाने ने, शायद कोई एक लम्हा था ऐसा जिसकी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, ये तब्दीली अल्लाह ताला ने मुझ में पैदा की है। ये सब कुछ फ़ार्स है, ये ज़िंदगी, ये सब कुछ सिर्फ़ एक चीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को और मुझे जो इंसाफ करने की सिफ़त और तौफीक अता फरमा दी है, इससे बड़ा और आप पे कोई एहसान नहीं हो सकता। अगर ये पूरा कर सकते हैं तो रुकिए, नहीं कर सकते तो फिर छोड़ के चले जाइए। बहुत मजलूम है लोग, बड़ा जुल्म हो रहा है, और यार खुदा का खौफ करो, एक रिटायर्ड आपका दफ्तर का मुलाजिम, LDA का मुलाजिम, जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो उसी दफ्तर का साहब उसका पेंशन के हक के ऊपर बैठ जाता है। कमाल इंसाफ है किस मुल्क में, और उसे अगर पेंशन लेनी है तो पेंशन के लिए फिर वो कुछ ना कुछ वो फाइल के नीचे रखना पड़ता है कि जी मुझे पेंशन ही दिला दो। शर्म आई है मुझे कल वो केस सुन के जहाँ पे खुशहाल बीबी को 433.72 रुपए एक बैंक दे रहा है एज ए पेंशन। वो मजलूम लोग हैं, किसने दादरसी करनी है, जिन्होंने दादरसी करनी है वो तो कर नहीं पा रहे, और अगर आपने भी नहीं की तो फिर जैसे हजरत करम अली करमुल्ला वजू ने फरमाया था कि फिर एक जालिम माशरा तो शायद रह सकता है, एक बेइंसाफ माशरा जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज का वक्त, आज का दिन आपकी एग्जिस्टेंस इंट्रोस्पेक्शन हिंडसाइट का है कि आपने अपने आज जाके मेरे कहने पे एक विजदान की एक कैफियत में जाके सोचें कि हमने लिया क्या है इस मुल्क से और हमने इस मुल्क को दिया क्या। इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मैं पैसे मिस नहीं हूं, ना मैं खुद पैसे मिस्ड हूं, ना मैंने आपको पैसे मिस्ड होने देने हैं, क्योंकि घबरा के मर जाते हैं वो लोग जो पैसिमिज्म का शिकार हो जाते, कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे हैं और अब जब तक हम में ये जज्बा है हम हर उस मुश्किल को हम हर उस चैलेंज को, आते हैं कौमों की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, कौमें कोई
ٹگی نہیں ٹا دیتی، بیج نہیں جاتی کہ یہ بس اب چیلنج آ گیا تو قومیں تو صرف کھڑی ہو جاتی. سپاہی کو جب چیلنج آتا ہے وہ تو مورچہ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، پکڑ لیتا ہے کہ جب میں خود مر جاؤں گا یا میں اپنے دشمن کو مار دوں گا. آج میرا وہ دن ہے کہ اگر ہمیں چیلنجز آئے ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں میں ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، ملٹیپل ہیں، میری کسی بات کو مسکنسٹرو نہ کر لیا جائے، لیکن چیلنجز آپ کو بھی پتہ ہیں، چیلنجز مجھے بھی پتہ ہیں. گھبرانا نہیں ہے، ہم نے ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور ان کو ریزالو کرنا. مجھے نام تو نہیں یاد آ رہا، وائس پریزیڈنٹ صاحب آپ کے کون تھے؟ راشد جاوید. راشد لودھی نے کہا کہ آپ کے 1.5 لاکھ سپاہی ہیں. وہ یار جس کو 1.5 لاکھ کی فوج مل جائے مفت میں، اس کے سپہ سلار کا حوصلہ کیا ہوگا؟ قوموں نے، لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، اپنے تن کے کپڑے نہیں بنائے، بھوک کاٹ لی، مفلسی میں زندگی گزار لی، اور یہ سوچتے رہے کہ جی میرا بیٹا، میری بیٹی، میری پوسٹیریٹی کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں. آج آپ کی پوسٹیریٹی، آپ کی جنریشن آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر کے جاتے ہیں، آپ اس سسٹم میں کس طرح بہتری لاتے ہیں. اور وہ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، شاید پہلے بھی کہی دو دفعہ، آج یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سب دوستوں سے، اس قوم سے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ زندگی کی کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ایک سال کا تحفہ مانگ رہا ہوں. ایک سال کا تحفہ کیا میں مانگتا ہوں؟ آپ کی جنریشن، آپ کی پوسٹیریٹی کے نام دیانتداری کا، کمپیٹنس کا. اپ رائٹنس کا، پیشن کا، کریج کا، ایک سال کا تحفہ. یقین مانیے آج اگر ہم طے کر لیں کہ جی آج کے بعد کوئی خرابی، انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کرنی، اور سیدھے راستے پہ چلنا ہے جو ہمیں تقوی کا راستہ پتا ہے. آپ کو ایک سال کے بعد چسکا لت پڑ جائے گی آنیسٹی کی. اوئے اس میں تو لوٹی لوٹ ہے، وہ مزہ ہی مزہ ہے، کیا موجے. ٹھیک ہے جی، وہ میں نے رشوت کے مال سے وہ گاڑی نہیں کمائی، بٹ کہ میں نے اپنے رشوت نہ لے کے جو کام کیا ہے اس سے تو میرے ملک کے میرے بچوں میں 20 گاڑیاں آ گئی ہیں. کتنی انسٹیٹیوشنز کھولی ہیں آپ نے کبھی زندگی میں؟ کبھی آپ نے ہسٹری پہ ڈیفینیٹلی توجہ دی ہوگی، اور آپ نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے ترقی کی ہیں اور کون سی قومیں ہیں جو ترقی نہیں کر پائیں. چار چیزیں قابل غور ہیں اور یہ مشترک ہے، کو ایگزسٹ کرتی ہیں. ہسٹری کا تعین کر کے دیکھ لیجئے، ڈبلیو ایچ ویلز کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ رابرٹس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے جنہوں نے ورلڈ ہسٹریز لکھی ہیں. تین بالکل کو ایگزسٹ چیزیں کرتی ہیں. سب سے پہلی ایجوکیشن، تعلیم، نالج. آپ وہ وقت دیکھیے جب ہارورڈ، جب آکسفرڈ اور کیمبرج 300 سال پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا، اور وہ معیار دیکھ لیجئے. نمبر 2، لیڈرشپ. میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، نبوت بعد بھی آئی. لیڈرشپ، کوالٹی لیڈرشپ، آنسٹ لیڈرشپ، اپ رائٹ لیڈرشپ، مسلط مفاد اور بے خطر، خوف نہیں ہے. جو کہنا ہے حق کہنا ہے، جو بات کرنی ہے سچ کرنی ہے،
اور سب سے پہلے منافقت نہیں اپنے پہ اپلائی کر کے, حضرت عمر خطاب کی طرح اپنے پہ اپلائی کر کے لوگوں کے لیے مثال بننا ہے. جس دن یہ لیڈرشپ آپ کو مل جائے گی, آپ کی تقدیر بدل جائے گی. تیسری بات ایک مضبوط جوڈیشل سیٹ اپ, ایک ایسا جوڈیکیچر اور ایک رول آف لا جس میں تفریق نہ ہو. یہ ریٹرکس نہیں ہے, یہ وہ میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جو ایک دن میں تبدیلی کسی وجہ سے میرے میں آئی. تفریق نہ ہو, غریب اور امیر کی تفریق نہ ہو, ماڑے کو حق دینے کا جذبہ ہو, قانون کی پیروی کرنے کا آپ میں خواہش اور پیشن ہو, اور پھر آپ اسے اطلاق کر سکیں. یہ ہے وہ تین کمپوننٹس جو آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کی مشترکہ, وہ قومیں ترقی کر گئیں جنہوں نے ان کو اپنایا. میرے دوستو, بات تو سارا دن ہی چلتی رہے گی, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کئی دفعہ کچھ مسلطیں, کچھ چیزیں جو قومی مفاد کے حوالے سے نہیں ہیں, لیکن دو باتوں کا میں ضرور آپ سے عرض کر دوں. یہ بات ایک دفعہ نہیں, کوئی فارمل میٹنگ میں بھی نہیں ہوئی. میرے دو گواہ یہاں موجود ہیں, یہ بات ہم نے انفارمل کئی دفعہ کی. کیا اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس ملک میں صرف رول آف لا رہے گا؟ صرف آئین کی حکمرانی رہے گی؟ صرف اس ملک میں اور کوئی خراب کر دے نہ کر دے, ہم ڈیموکریسی کو پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ میرے دوستوں کا اپنے آپ سے عہد ہے, یہ میرے دوستوں کا اپنی پوسٹیریٹی سے عہد ہے, یہ میرے دوستوں کا اپنی قوم سے عہد ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. جس دن ہم اپنے اس فعل سے, اس کردار سے, اس قسم سے, اس وعدے سے پھرے, میں کوئی بزرگ یہاں پہ بیٹھا ہے, یہاں بیٹھے میں کون ہے جی آپ؟ میرے عزیز جنگیر جوجا صاحب میرا گربان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا اس بار کی بہاف کے اوپر, اگر ہم نے آپ کے اس وعدے کو پلیج اور پورا نہ کیا. میرے ججز, میرے بھائیوں, ان کی عزت کرنا سیکھو, یہ بار کی عزت کرو, ان کو انصاف دو. میری بار ججز کو بیچنا چھوڑ دو. ان کی بے تقریبی جس آپ نے لشکر کا ذکر مجھے کیا ہے, 1.5 لاکھ لشکر کا جس کا میں سپہ سالار ہوں, جس ایک آدمی نے تذلیل کی, میں وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے اپنی سپہ سالاری میں میں پسپا کر دوں گا اگر کسی نے میری بار. صدر صاحب, جو محترم صدر صاحب, آپ جو آج الیکٹ ہوئے ہیں, ذرا کھڑے ہو جائیے. آپ جب اٹھے تھے لوگوں نے بڑی تالیاں ماری. میں نہیں آپ کو جانتا, آپ واقعتاً پاپولر آدمی ہوں گے, اچھے لیڈر ہوں گے, اچھے لیڈر کی مثال بنیں گے آپ. ایک سال کے لیے یہ توڑ پھوڑ, یہ کیمرے توڑنے کی تڑی, یہ گھراؤ جلاؤ, یہ ختم. اور ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جتنے میرے عہدے داران الیکشن لڑ کے جیت کے آ رہے ہیں, وہ کم از کم مقدمے بک کریں گے اپنے, کم از کم ان کی
हर केस में वकालतनामे नहीं जाएंगे और मैं इसको खुद सुपरवाइज करूंगा। मैं खुद देखूंगा कि एक साल में एक प्रेसिडेंट होने के बाद और सेक्रेटरी होने के बाद कितने वकालतनामे दिए आपने, क्योंकि पता चलता और कितने स्टे मिले आपने। मैं हिसाब लूंगा, छोड़ दीजिए, मैं हिसाब लूंगा जिन लोगों के वोट से आप तशरीफ लाए हैं, जिन लोगों के वोट से आप और आप जैसे, और मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, बेटा समझ के एक बाप की हैसियत से और इस बार की और इस बेंच की तकरीम के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए, इस जुडिकेचर के लिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कम अज़ कम मुकदमात लेने हैं, कम अज़ कम स्टेज में आपने पेश होना है, ये जत्थे लेके नहीं जाना आपने। This is my command to all of my chief justices of Pakistan and to every session judge कि वो मुझे बतदरीज बताएं कि कितने सिविल जज से धौंस धांधली के जरिए जाके स्टे ऑर्डर्स लिए गए। हमने आपको लीडर अपना अपॉइंट किया है, आप हमारे लीडर रहेंगे इंशाल्लाह अजीज, आप हमारे कायद हैं बार के, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने बात एक और किया, तशरीफ रखे, इन बुकला की डिस्ग्रेस की बात नहीं हो रही, इन बुकला के डिस्ग्रेस की बात नहीं हो रही। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, इस वक्त इन बुकला के डिस्ग्रेस की बात नहीं हो रही, इस वक्त जो नुमाइंदे इलेक्ट हो रहे हैं उनकी कमाई की बात हो रही। मुझे इत्तफाक है कि कल उमर अता बंदियाल साहब ने पता नहीं क्यों भेज दी, आज की तकरीर के लिए भेज दी होगी। कल शाम को मैं बैठा था तो खोला उमर अता बंदियाल साहब का मैसेज, नॉर्मली वो मैसेज मुझे आता है, भाईजान सलाम अलैकुम, ठीक है जी, कभी कभी प्यार से कहते हैं आई लव यू, छोटी मोटी जो मोहब्बत। कल उमर अता बंदियाल का एक मैसेज आया और मुझे कमाल लगा जी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। उमर है यहाँ पे, नहीं है, नज़म उन्होंने भेजी मुझे, वतन के लिए एक दुआ, शायद आज ही के लिए मेरे लिए मैसेज था, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल कुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, या जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, या खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, या जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसे कोई मिसाल ना हो, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तफ्तीश मैं वो साल ना रहे, हर एक फ़र्द हो तहजीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार खिताब कर रहे थे। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी रहेगी, हम जमहूरियत को पामाल नहीं होने देंगे। चीफ तेरे जान निसार बेशुमार वकला नारे भी लगाते रहे। उन्होंने कहा कि बीवी और बच्चों को कह चुका हूँ कि एक साल के लिए तुम्हारा नहीं, मजलूम की दादरसी नहीं कर सकते, तो काम छोड़ दो।